नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। भोपाल के वरुण ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर लहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर वरुण वडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा लहराया है। समुद्र तल से 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रूज पर चढ़ाई काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। वहां तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। ऐसे में वरुण ने नया इतिहास रच दिया है। वरुण ने 28-29 अगस्त की रात 1:30 बजे से पर्वत पर चढ़ना शुरू किया और अगले दिन सुबह 7:10 पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। बसे कैंप से ये सफर पूरा करने में उन्हें कुल 8 घंटे का समय लगा। वडेरिया ने इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग से मान्यता प्राप्त संस्था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। वरुण वडेरिया ने बताया कि समुद्र तल से 5,642 मीटर ऊंचे माउंट एल्ब्रूज पर चढ़ाई काफी चुनौतीपूर्ण रही। ऊंचाई पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और हवा का बहाव काफी तेज होता है। चोटी की खड़ी चढ़ाई में हवा और ठंड आपकी कठोर परीक्षा लेती है, इसलिए ये यूरोप की न सिर्फ सबसे ऊंची चोटी है बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। वरुण ने माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगे के साथ ही एमपी टूरिज्म का झंडा भी गाड़ा। वरुण बडेरिया ने पर्वतारोहण से पहले कई लेवल पर तैयारी की थी। पिछले 2 महीने से रनिंग और योग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एल्ब्रूज चोटी पर ऑक्सीजन और एयर प्रेशर काफी कम हो जाता है, इनके प्रभाव से सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन योग प्राणायाम के कारण काफी फायदा मिला और औसत समय से पहले ही चढ़ाई पूरी कर ली। प्रदेशवासियों के साथ ही प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने वडेरिया को इस उपलब्धि पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।